IUI या IVF करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम एक दफ़ा पता कर लेते हैं कि यूट्रस इस तरफ को टिल्टेड है, इस तरह एंटीवर्टेड नहीं है, रिट्रोवर्टेड है, ताकि हम जब अपना कैथेटर इंसर्ट करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए या IUI कैथेटर इंसर्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काइनी सॉल्यूशन के फोरम से आपके लिए वक्तन फवक्तन आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वीडियोस लेके आती रहती हूं। उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। जहां पे कोई क्वेश्चन या कॉमेंट हो ज़रूर मुझे बताइएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है हर वीडियो के नीचे जो कॉमेंट्स होते हैं उनका आंसर करना, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो आपके सवालों के जवाबों की एक वीडियो, यानी जो जो क्वेश्चन आपने मुझे वीडियो के नीचे किए हैं उनमें से कोई मैं 10-15 क्वेश्चन जमा करके उनको फिर एक वीडियो की फॉर्म में आपको उसका आंसर दे दिया करूंगी, जो कि जनरलाइज्ड आंसर होंगे। पर्सनलाइज्ड किस्म के आंसर जो हैं वो एज़ पर द पॉलिसी ऑफ यूट्यूब हमें अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक हेल्थ चैनल है। अगर हम यहाँ पे बगैर आपको देखे, बगैर आपकी हिस्ट्री जाने, सिर्फ आपको कोई दवाई रिकमेंड कर दें बगैर आपको वो किए हुए, तो बाय द पॉलिसी ऑफ यूट्यूब ये हमारे ऊपर एक अनएथिकल हो जाता है कि हमने उस दवाई की बजाय ये देखे कि वो आपके लिए इंडिकेटेड भी है या नहीं है। तो वो लोग जो मुझसे दवाई का पूछ रहे होते हैं उनके लिए बड़ी माजरत कि वो हम एज़ पर द पॉलिसी, आपने देखा होगा कि हम नाम भी नहीं बताते इवन यूट्यूब के ऊपर, और इससे पहले हम एक आपका अपना एक वार्निंग पैराग्राफ भी लिखते हैं कि ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, इलाज के लिए नहीं है, ताकि कोई भी पेशेंट ये ना कहे कि हम आपकी वीडियो से ये दवाई सुनी और हमने खाई और हमें ये नुकसान हो गया। अच्छा, तो आज हमने बात करना है यूट्रस का टेढ़ापन, यानी यूट्रस का जो टेढ़ा होना होता है, इसको हमारी ज़ुबान में रिट्रोवर्टेड यूट्रस कहते हैं। या मुझे बड़ी मज़े की बात आ गई, मेरी वीडियो के नीचे पेशेंट ने कमेंट किया हुआ था कि अंडे आप क्यों कह रही हैं, क्या ख़वातीन मुर्गियाँ हैं? तो कहने का मतलब ये है कि अंडा बेसिकली ओवम के लिए होता है। मैं आपके लिए आसान ज़ुबान में बात करती हूँ ताकि बात की आपको समझ आ जाए। वैसे तो हमारी ओवम भी मैं कह सकती हूँ, एग भी कह सकती हूँ, लेकिन अंडा कहने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ली हुई है, मुझे तो आइडिया है, तो इसलिए मैं ये थोड़ी लेमेन टर्म इस्तेमाल करती हूँ। तो यूट्रस का टेढ़ा होना यानी रिट्रोवर्टेड यूट्रस इसको कहते हैं। इसको लेके पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्टर साहबा हमारी जो यूट्रस है वो डॉक्टर ने हमें बताया है कि टेढ़ी है, तो इसके क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं और क्या वजूहत हो सकती हैं जो ये हमारी यूट्रस टेढ़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मल जो यूट्रस होती है उसका वो थोड़ी एंटीवर्टेड होती है, यानी कि वो आगे की तरफ हल्की सी टिल्ट होती है। मान लीजिए कि ये यूट्रस है, ये आपका अम्ब्लाइकस है, पेट वाला हिस्सा है, और ये आपकी कमर वाला हिस्सा है। नॉर्मली यूट्रस थोड़ी सी इस तरह से होती है, इसको हम कहते हैं एंटीवर्टेड। एंटी का मतलब ये कि आगे की तरफ झुकी हुई। आगे की तरफ झुकी हुई जो यूट्रस होती है ये नॉर्मल होती है, और 90% केसेस में एंटीवर्टेड यूट्रस ही होती है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर यूट्रस मिड पोजिशन होती है, या कुछ केसेस के अंदर यूट्रस टेढ़ी होती है, यानी रिट्रोवर्टेड होती है। रिट्रोवर्टेड का मतलब ये होता है कि पीछे की तरफ झुकी हुई होती है, या कमर की तरफ उसका झुकाव ज्यादा होता है, इसको रिट्रोवर्टेड यूट्रस कहते हैं। रिट्रोवर्टेड यूट्रस क्यों होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अल्लाह ताला की तरफ से बनावटी तौर पर यूट्रस जो है वो टिल्टेड पैदाइशी तौर पर है। दूसरी वजह क्या है कि आपकी यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड है जिसके वजन की वजह से यूट्रस पीछे की तरफ गिर गई, उसको भी हम कहते हैं रिट्रोवर्टेड यूट्रस फाइब्रॉइड की वजह से। बाज़ मरीज़ों के अंदर क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि पीछे पाउच ऑफ डगलस में कोई पास या फ्लूड कनेक्टेड हुआ, जिसकी वजह से कुछ एडियन बन गए, फाइब्रस के बैंड बन गए, उन्होंने क्या किया यूट्रस को पीछे की तरफ टिल्ट कर दिया, तो वो भी यूट्रस को टेढ़ा करने में। कुछ लोगों का सिजेरियन के बाद देखा ये क्या है कि बाज़ औक़ात सिजेरियन के बाद यूट्रस मिड पोजिशन भी हो जाता है, और अगर एडियन बन जाए या किसी भी सर्जरी के बाद तो भी यूट्रस जो है वो रिट्रोवर्टेड हो सकता है। अब जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस जो होता है उससे पेशेंट को क्या मसाइल पेश आ सकते हैं? इन पेशेंट्स को देखा यह गया है कि बैकएक बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह क्या है कि यूट्रस चूँकि पीछे की तरफ झुका हुआ है, सारे जो लिगामेंट्स हैं उनके अंदर तनाव है, और जो इस तनाव की वजह से इन पेशेंट्स को बैकएक की कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी, पीरियड्स के दौरान पेन आम पेशेंट्स की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनको वजह वही होती है कि चूँकि सारी वेसल्स के अंदर
खिंचाव बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, पीरियड के दौरान वो कंजेस्टेड होती हैं, तो चूंकि उनके अंदर टेंशन भी है और कंजेशन भी है, तो वो मिल के थोड़ा सा ज़्यादा पेन पेशेंट को करते हैं। इन पेशेंट के अंदर इंटरकोर्स के दौरान जो पेन होता है उसकी भी वजह हो सकती है, उसकी वजह यही होती है कि वजाइना के अंदर भी इसका जो खिंचाव है वो आ रहा होता है। इसी तरह से कुछ लोगों के अंदर ये देखा गया है कि चूँकि ये पीछे की तरफ टिल्टेड होती है यूट्रस, तो बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट में देखा गया है कि पखाना करने के दौरान, एक तो कब्ज़ की इनको शिकायत हो सकती है और पखाना करने के दौरान जो है वो पेन फील हो कर सकते हैं ये मरीज़। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि रिट्रोवर्टेड वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर खुदा न खास्ता इनफर्टिलिटी की रेशो ज़्यादा होती है, तो ऐसी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। यूट्रस जो है वो ऐसे करके टिल्टेड है, वजाइना के जरिए से जो स्पर्म्स आगे की तरफ जा सकते हैं वो इधर से भी गुजर के ट्यूब्स तक जा सकते हैं, और ट्यूब्स के में जो एग पड़ा होता है उसको फर्टिलाइज करके वापस वो यूट्रस के अंदर आ सकता है। तो जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी की जो जो रेशो होती है वो यूट्रस के टेढ़ा होने की वजह से ज़्यादा नहीं होती, कोई और फैक्टर हो जाए, PCOS हो जाए, ट्यूबल फैक्टर हो जाए या कोई हस्बैंड फैक्टर हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ यूट्रस की पोजीशन की वजह से जो है वो इसका वो नहीं होता। लेकिन जब हम IUI या IVF करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम एक दफ़ा पता कर लेते हैं कि यूट्रस इस तरफ को टिल्टेड है, इस तरह एंटीवर्टेड नहीं है, रिट्रोवर्टेड है, ताकि हम जब अपना कैथेटर इंसर्ट करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए या IUI कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो हम इस पोजीशन में ना करें, हम पीछे की तरफ करके करें ताकि वो यूट्रस के अंदर जाके ट्रांसफ़र हो या इंसेमिनेशन हो। तो रिट्रोवर्टेड के साथ जो इनफर्टिलिटी की एसोसिएशन है वो बिल्कुल गलत है। रिट्रोवर्टेड यूट्रस जो है इसको सर्जरी की मदद से करेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि बाज़ औक़ात अगर इसकी अटैम्प्ट की भी जाए तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन में चला जाता है, उसी तरह से चला जाता है। जिस तरह से एंटीवर्टेड आगे का झुकाव नॉर्मल है, इसी तरह से पीछे का झुकाव भी नॉर्मल है। तो जिन लोगों की यूट्रस रिट्रोवर्टेड है वो मेरी ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और इस चीज़ को छोड़ दें कि हमारा ये रिट्रोवर्टेड है और टेढ़ा है। ये बेसिकली डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो फाइंड आउट करते हैं कि रिट्रोवर्टेड यूट्रस है तो उसके बाद पेशेंट को बता भी दें कि ये टेढ़ा हम सिर्फ नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा डिफरेंट होने की वजह से कह रहे हैं, वरना ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन कमेंट्स के में आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर का इंतज़ार करते रहें, मैं उनको देख के वीडियो कंपाइल करती हूँ करूँगी जिसमें कि मैं आपके इकट्ठे कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर दूँगी, और ताकि फिर आपका, लेकिन उसमें पर्सनलाइज क्वेश्चंस के आंसर नहीं होंगे। आप में से जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं, मेरी सेक्रेटरीज का नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं और अपना चेकअप करवा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।